गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एन के चौहान, एंड टूडे वी विल टॉक ऑन लेसन नंबर सेकेंड, यूनिट फर्स्ट लेसन नंबर सेकेंड, एंड लेसन नेम इज पर्सनल हाइजीन. यस, दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेवेंथ. ओके, and today we will talk about the personal hygiene. I think we know very well about the personal hygiene. If we maintain our personal hygiene in that condition, we can be healthy, free from disease, and we can prevent the diseases, germs, and different kinds of diseases. Yes, I think it is clear. So it is very important for everyone people. Yes, who are living in society, those who are working for their nation. So it is must for everyone people. Personal hygiene. यानी कि बच्चों, आज हम unit first, lesson number second, a lesson name. पर्सनल हाइजीन के बारे में बातचीत करेंगे. यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सभी के लिए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन, अगर हम पर्सनल हाइजीन के प्रति सचेत रहते हैं तो क्या होता है, हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, हम बीमारियों से, कीटाणुओं से दूर रहते हैं, और हमारा शरीर और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है हमारी. तो इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन के प्रति सचेत रहना चाहिए. यस, एंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल हाइजीन इज मेंटेन और कीप अवर बॉडी क्लीनलीनेस, कीप अवर बॉडी क्लीन एंड मेक also free from disease is called the personal hygiene. यानी कि हम व्यक्तिगत साफ सफाई रखते हैं अपनी बॉडी की, तो पर्सनल हाइजीन में आती है. एंड वो क्या डेफिनेशन है, हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैन एज फ्रेग्रेंस फॉर अ फ्लावर. यस, हेल्थ हैज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन. लाइक सपोज दैट एज अ फ्लावर हैज द फ्रेग्रेंस और स्मेल फॉर एवरी वन फॉर इट्सेल्फ. लाइक द सेम वे, इफ वी आर हेल्थी, इट्स मीन्स वी आर वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द सोसाइटी एंड अवर नेशन एंड इंडिविजुअली ऑल्सो. यानी कि हेल्थ क्या है, अपने शरीर की साफ सफाई रखना, व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर की साफ सफाई रखना, अपने शरीर को बीमारियों से, कीटाणु से दूर रखना ही क्या कहलाता है, पर्सनल हाइजीन कहलाती है. जिस प्रकार से एक फ्लावर, एक फूल की जो खुशबू होती है, उस खुशबू के माध्यम से फ्लावर क्या होता है, उसकी पहचान बनती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति हेल्दी होते हैं, यस, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उनकी वो हेल्थ उस व्यक्ति के लिए वास्तव में एक खुशबू की तरह होती है, जैसे फूल की खुशबू होती है. यस, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. कीप क्लीनलीनेस इंडिविजुअली ऑफ अवर बॉडी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड द पर्सनल हाइजीन. लाइक द हेल्थ और हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैन एज फ्रेग्रेंस फॉर अ फ्लावर. आई थिंक इट इज क्लियर डेफिनेशन ऑफ पर्सनल हाइजीन. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. Here are some MCQs. We will talk about some more
questions related to the personal hygiene. Yes, what is called the branch of science which teaches us how to keep ourselves healthy, free from disease? Personal hygiene. Yes, what is a science branch that teaches how can we keep our body, keep ourselves healthy and free from disease? It means personal hygiene. यानी कि जो विज्ञान की शाखा है, जो हमें सिखाती है कि हम किस प्रकार से अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और उसको बीमारी से दूर रख सकते हैं, उस पर्टिकुलर विशेष का क्या नाम है, उसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत साफ सफाई. यस, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर, नीट एंड लूज, नीट एंड क्लीन और लूज. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप नीट एंड क्लीन क्लोथ एंड लूज. इफ वी वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ एंड लूज क्लोथ इन दैट कंडीशन, अवर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी विल बी ग्रोथ. यस, एंड देयर विल बी नो एनी जर्म, वी विल फ्री फ्रॉम डिजीज. एंड हाउ शुड बी नॉट गो टू स्लीप, हाउ शुड बी नॉट गो टू स्लीप, यानी कि हमें जब हम सोते हैं तो हमें किस प्रकार से नहीं सोना चाहिए. कवरिंग द फेस, टू कवर फुल, टू कवर द बॉडी, होल बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी कवर करके नहीं सोना चाहिए, अपने मुंह को ढककर भी कभी नहीं सोना चाहिए. हाउ शुड बी ब्रीथ, हमें किस प्रकार सांस लेनी चाहिए, थ्रू द नोज, हमेशा हमें नाक के माध्यम से क्या करना चाहिए, सांस लेना चाहिए. यस, तो ये बहुत रिलेटेड फैक्ट हैं जो हमारी पर्सनल हाइजीन्स हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट हैं, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास हैं यहाँ पर जो आपके लिए हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड बी टेक, एज वी नो वेरी वेल दैट इट इज़ अवर डेली रूटीन दैट एवरी डे वी टेक मील और फूड, our breakfast, our lunch, our snacks and dinner. So which type of food we should be take? We should be take neat and clean or and balanced diet. Every day we should take neat and balanced diet. Neat means saaf sutra, bilkul. And balanced diet, the all elements related the body. Yes, vitamins, carbons, carbos, carbohydrates, salt, these are the elements of balanced diet we should take. Yes, it is clear. After that we will talk about which is the boundary wall of our body shaped for. Yes, like you can see easily, I think you have seen any fault, and if there is a situated any fault in that condition, you can see overall you can find easily a boundary ball, that is called the boundary wall of that fault. Like the same process, like the same way, what is the boundary wall of our body shape? Skin. Our body has many parts, systems, organs, but skin, it is a very sensitive to our body because it does work like a boundary wall. Yes, it gives us a shape for. It gives us shape. It is called our skin. It is our boundary wall.
आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे कोई किला होता है, उस किले के चारों ओर क्या होती है, एक बाउंड्री वॉल होती है, एक दीवार बनी होती है जो उस किले की रक्षा करने के लिए बनाई जाती है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेंसिटिव जोन हैं, तो उन सब के लिए बाउंड्री वॉल का कार्य क्या चीज करती है, तो वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन जो हमारे ऊपर दिखाई देती है, हमारी स्किन होती है, ये सब स्किन वास्तव में बाउंड्री वॉल की तरह कार्य करती है। यस, और जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं और जो इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं कुछ, उन सबको ये सेव करती है, बचाती है। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डू डेली फॉर द क्लीननेस ऑफ अवर स्किन। व्हाट शुड बी ट्राई एंड व्हाट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, यस, टू मेक द क्लीननेस ऑफ अवर स्किन। बाथ, विद द हेल्प ऑफ बाथ वी कैन रिमूव द जर्म्स फ्रॉम अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑट शॉप एंड अवर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी शैम्पू एंड मसाज। यस, यानी कि हम अपनी बाउंड्री वॉल को, अपनी बॉडी के बाउंड्री वॉल को अर्थात स्किन को किस प्रकार से साफ सुथरा रख सकते हैं, तो बाथ के माध्यम से, स्नान के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक किले की दीवार, चार दीवारी होती है, दीवारी होती है, उस पर हम कलर करते हैं, पेंट कराते हैं। यस, उसी प्रकार से हम अपनी बॉडी को नहाने के माध्यम से, साबुन के माध्यम से, स्क्रब के माध्यम से, या किसी ओट के माध्यम से, या फिर किसी शैम्पू के माध्यम से, बॉडी शैम्पू के माध्यम से, मसाज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख सकते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ बुक फ्रॉम द आईज ड्यूरिंग स्टडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो अबाउट इट। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पर्संस लाइक टू रीड द बुक्स। यस, दे लव स्टडी। तो व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन अवर आईज और स्टडी मटेरियल, मे बी योर बुक्स एंड एनी अदर थिंग्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इज 30 सेंटीमीटर, मिनिमम 30 सेंटीमीटर। इट इज गुड डिस्टेंस टू स्टडी, टू रीड द बुक, टू डू योर वर्क, टू राइट, टू रीड, वी हैव टू फॉलो ऑल्सो अबाउट। यानी कि जब हम अपनी किताब को पढ़ते हैं या अन्य को स्टडी करते हैं या लिखते हैं, तो किताब को पढ़ते समय हमारे आँखों से और किताब की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हमने बताया 30 सेंटीमीटर, कम से कम 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इससे हम कम की डिस्टेंस रखते हैं तो क्या होता है, जल्दी हमारी आंखों पर चश्मा पड़ चढ़ जाता है, हमें फिर दूर से वस्तु देखने में, दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट डिलीजेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिलेटेड अबाउट द पर्सनल हाइजीन। व्हाट इज द डिलीजेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? आईज। इट इज वेरी डिलीजेंट। Without eyes, we cannot see anything and we cannot do anything. Yes, with the help of our eyes,
वी कैन डू एवरीथिंग वेरी वेल। यानी कि सबसे जो डिलीजेंट अपना पार्ट होता है बॉडी का वो होता है आंख, क्योंकि आंखों के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है उसके जीवन में। यस, आगे बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द आईज द डेली इन द मॉर्निंग। यस, यू आई थिंक यू नो वेरी वेल, व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट वी गो फॉर टेक ब्रथ ब्रश एंड टेक बाथिंग। इन दैट कंडीशन, इन दैट टाइम वी हैव सो ऑल्सो ट्राई टू वॉश आवर आईज विद कोल्ड वाटर। यानी कि सुबह सुबह जब हम ब्रश करने के लिए जाते हैं या नहाने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी आंखों की जितनी डिजीज होती हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर होती हैं और आंखों में चश्मा नहीं चढ़ता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर शुड बी प्रिवेंट टू एंटर द आईज। वाटर शुड बी प्रिवेंट मीन्स रेस्पिरेशन, दिस मस्ट टू नो फॉर एवरीवन, वी हैव टू ट्राई टू स्टॉप इट। यस, इफ यू आर अनेबल टू प्रिवेंट इन दैट कंडीशन देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स इन योर आईज, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई शुड बी क्लीन अवर टीथ एवरी डे बाय टूथ और ब्रश। डेली वी शुड बी क्लीन अवर टीथ बाई ब्रश और बाई ट्विंग्स। यानी कि हमें प्रतिदिन अपने दांतों को, मोस्टली शाम को क्या करना चाहिए, अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, और या फिर ट्विंग कोई टहना लीजिए, जैसे नीम की टहना हुई, यस, या किसी अन्य किसी पेड़ की हो सकती है, तो उसकी टहना से भी आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डू टू कीप द हेयर ऑफ अवर हेड स्ट्रांग। इफ यू वांट टू मेंटेन स्ट्रांग एंड ऑल्सो वांट टू मेक स्ट्रांग ऑफ अवर हेयर, इन दैट कंडीशन व्हाट शुड बी डू, वी शुड अप्लाई इट मसाज इन अवर हेयर। इट इज मस्ट इफ यू वांट टू हैव लॉन्ग एंड सिल्की हेयर, यू हैव टू अप्लाई मसाज। यानी कि आप अपने बालों को मजबूत रखना चाहते हैं, सिल्की रखना चाहते हैं, लंबे रखना चाहते हैं, तो हमें उसको मसाज करवानी चाहिए बालों में, ये जरूरी है सभी के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डेड एलिमेंट्स ऑफ ड्राई स्किन कॉल्ड। इन दैट कंडीशन sometimes mostly in winter you can find your skin dry, yes, and in that condition you can find easily dandruff in your on your skin and in your head। यानी कि अपने जब जाड़ों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, तो पपड़ी सी जम जाती है, इसको हम dandruff बोलते हैं। मोस्टली आपने बालों में देखा होगा कि बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ पाई जाती है। इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच इज द मिल्की टीथ कम आउट। यानी कि बच्चों के जो अर्लियर एज होती है उसमें दूध के दांत के बाहर आने की उम्र कितनी होती है, 6 to 12 ईयर। यस, आफ्टर दैट नेम थ्री सब्सटेंस यूज फॉर द क्लीननेस ऑफ हेयर ऑफ हेड। यानी कि जो हम बालों में ऐसे तीन सब्सटेंस के नाम बताने हैं जिनका हम यूज करते हैं बालों में, नंबर वन सॉप, ओट एंड आंवला। इन सब का हम प्रयोग करते हैं अपने बालों में, अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए।
इट इज क्लियर. आफ्टर दैट व्हाट अकर इन हेड बाई नॉट मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ हेयर. यस योर आंसर इज डैंड्रफ. अगर हम अपने सिर की साफ सफाई नहीं करेंगे, बालों की साफ सफाई नहीं रखेंगे, उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, उसमें शैम्पू नहीं करेंगे, साबुन से नहीं धोएंगे, वोट का यूज नहीं करेंगे, आंवला नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाएगा और डैंड्रफ बालों के लिए सही नहीं होता. नेक्स्ट इज विच थिंग इन अवर नोज प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट एंड जर्म्स ऑफ डिजीज. स्मॉल हेयर ऑफ अवर नोज. आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस हम नाक से लेते हैं, तो नाक में बहुत छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिसको हम नोज हेयर, स्मॉल नोज हेयर के नाम से जानते हैं. वास्तव में ऑक्सीजन साथ जितने भी कीटाणु होते हैं या अन्य कोई डस्ट होती है, वो सब बालों के माध्यम से, स्मॉल हेयर के माध्यम से नाक के बाहर ही रुक जाती है. वो अंदर फेफड़ों में नहीं जाती है, लंग्स में नहीं जाती है, वो नोज में ही गैदर हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है. नेक्स्ट इज वायर शुड बी इंस्टेड इन अवर ईयर टू रिमूव द वैक्स फ्रॉम इट. कानों में मैल भर जाता है. वायर शुड बी डू, वायर शुड बी अप्लाइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. यस, यानी कि कानों में मैल साफ करने के लिए हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड नॉट बी ईटन, यानी कि हमें किस प्रकार के भोजन का यूज नहीं करना चाहिए. द आंसर इज वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड. हमें कभी भी ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए. तो दीज आर द रिलेटेड ऑफ पर्सन हाइजीन फैक्ट. यस, दीज फैक्ट्स आर रिलेटेड विद पर्सनल हाइजीन एंड दीज आर वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. ओके, सो नेक्स्ट डे माई स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक.